यहाँ लॉन्च हो गया Redmi Note 6 Pro, इसमें हैं कुल चार कैमरे। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल टेक विवेक को सब्सक्राइब करना ना भूले, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन की प्रतिष्ठित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने अपने स्मार्टफोन Redmi Note 6 Pro को थाईलैंड में लॉन्च कर दिया है। मजे की बात यह है कि यह फोन अभी तक कहीं भी नहीं लॉन्च किया गया है। पता नहीं कंपनी ने क्या सोचा कर इसे थाईलैंड में सबसे पहले पेश किया है। स्मार्टफोन की जो अहम खासियतें सामने आई हैं वह है डिस्प्ले नॉच, ड्यूअल रियर कैमरा और ड्यूअल फ्रंट कैमरा। बड़ा डिस्प्ले। आपको बता दें Xiaomi Redmi Note 6 Pro स्मार्टफोन Xiaomi के ही स्मार्टफोन Redmi Note 5 Pro का अपग्रेड वर्जन है। कीमत थाईलैंड में इस फोन की कीमत भारतीय मुद्रा में 15,700 रुपए रखी गई है। इस कीमत में इस फोन का 4GB रैम वाला वेरियंट खरीदने के लिए मिलेगा। इसी अभी तक के वेरिएंट में पेश किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह तीन रंगों के साथ लॉन्च किया गया है, ब्लैक, ब्लू और रोज। Redmi Note 6 Pro के अहम स्पेसिफिकेशन स्मार्टफोन में 6.26 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कॉनन गोरिल्ला ग्लास 6 मौजूद है। यह एंड्रॉइड ओरियो आधारित MIUI पर चलता है। मल्टीटास्किंग के लिए इस हैंडसेट में स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 509 GPU है। फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल पर दो कैमरे दिए गए हैं जो 12 और 5 मेगापिक्सल के हैं। इस फोन के आगे की तरफ भी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दो कैमरे हैं जो 20 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल वाले हैं। फोन में जान फूंकने का काम 4000 mAh की बैटरी करती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्मार्टफोन अच्छा लगा तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप यह स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। और हमारे चैनल टेक विवेक को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। We'll be right back.